हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न श्योर। आज हम डिस्कस करेंगे, देखिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ दिल्ली का जो प्यून और ऑर्डरली प्यून और ये सारी जो वैकेंसीज थी, आप सबको पता है इसके दो डेट दी गई थी। पहले एक दी गई थी 28 फरवरी को 2021 ऑब्वियसली है, और एक डेट दी गई थी आपके 7 मार्च 2021 को। तो क्या हुआ था, 28 फरवरी वाला तो एग्ज़ाम हो गया था, कुछ प्रॉब्लम नहीं आई थी, लेकिन सुनने में आया था कि कुछ प्रॉब्लम हुई है, चीटिंग हुई है, लीक हुआ है, मतलब ऐसे बहुत सारे इश्यूज आए थे, बहुत सारे बच्चों का एग्ज़ाम कैंसिल भी किया गया था। तो इस पर इन्वेस्टिगेशन की गई और इसको जो 7 तारीख का एग्ज़ाम होना था इसको कर दिया गया पोस्टपोन। ठीक है, अब क्या हुआ, एक नया अपडेट आया है कि आप लोगों का एग्ज़ाम अनाउंस कर दिया गया है कि 1 अगस्त 2021 को आप लोगों का एग्ज़ाम है, इस अगस्त को। तो 1 तारीख को आप लोगों का एग्ज़ाम है, आपके पास सिर्फ 10 दिन बचे हैं। ठीक है, अब ये बच्चे के इस पर बच्चों के बहुत सारे डाउट आ रहे हैं कि सर हमें कोई नोटिफिकेशन दिखा कहीं पर, हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं आई। तो पहला डाउट तो बच्चों का ये कि सर जो 28 तारीख का था वो कैंसिल हुआ है, तो 28 वालों का एग्ज़ाम कैंसिल नहीं हुआ है। तो जिन बच्चों का 28 फरवरी को एग्ज़ाम हुआ था वो कैंसिल नहीं हुआ, तो वो एज इट इज़ रिमेन है। और जिन बच्चों पर डाउट था उनके ऊपर चल रही है जो भी इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। लेकिन जो एग्ज़ाम आप लोगों का 7 फरवरी को, देखिए ये ऐसे मैसेज आया हुआ, देखो जिनका भी एग्ज़ाम है उन सबको मैसेज आ गया होगा, और मैसेज आ गया होगा, अगर मैसेज नहीं आया होगा तो जरूर जीमेल अकाउंट पे जाके जरूर चेक, मतलब अपनी ईमेल पे जरूर चेक कर लीजिएगा। तो ये यहीं से आया था आपका मैसेज 7 तारीख वाला भी, कि जो कि पोस्टपोन हो गया है, और यहीं पर आपका नया मैसेज आया है कि 1/8/2021 को आप लोगों का एग्ज़ाम है। तो आप लोग इसको देख सकते हैं, जिसके पास मैसेज नहीं आया है तो वो ईमेल वगैरह पे भी चेक कर सकता है या फिर क्वेरी कर सकता है। तो आप लोगों का एग्ज़ाम होगा 1 अगस्त 2021 को। ठीक है, अब कहेंगे सर नोटिफिकेशन नहीं आया, देखिए ये ऑलरेडी पुराना एक एग्ज़ाम है, इस पर नोटिफिकेशन ऐसा ज़रूरी नहीं है। नोटिफिकेशन जब आता, जब पहली बार होता, मतलब अभी तो एक शिफ्ट हो चुकी थी इसकी, ऑलरेडी पता था। अब हाँ, जो लिंक एक्टिवेट हो जाएगा 27 तारीख को, तो 27 तारीख को आपको वेबसाइट पर लिंक जरूर मिल जाएगा कि डाउनलोड योर एडमिट कार्ड फॉर प्यून एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो एडमिट कार्ड का लिंक हो जाएगा 27 तारीख को एक्टिव, और आपका 1 तारीख को एग्ज़ाम है। तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन पे पूरा सीरियसली होकर कर लीजिए, जिन्होंने ये एग्ज़ाम दिया था जो भी इसके लिए टारगेट कर रहे थे। ठीक है गाइस, बहुत ही ईजी एग्ज़ाम था, मैं इसकी ऑलरेडी एक वीडियो डाल चुका हूँ, जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी उसको जाके देख लीजिएगा, 100% आपको बेनिफिट हो जाएगा उस वीडियो से कि क्या पढ़ना है और क्या अवॉइड करना है और कितना पढ़ना है। वो वीडियो जाकर देख लेना, मेरे चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल है, जिसमें मैंने 28 तारीख का पूरा वीडियो एग्ज़ाम एनालिसिस दिया था, पूरा डिटेल एनालिसिस कि एग्ज़ाम में क्या आया था। और उसी अगर एनालिसिस को आपने पढ़ लिया और उसी को 10 दिन फॉलो कर लिया तो भी आपका एग्ज़ाम ऑलमोस्ट अच्छे से हो जाएगा, जो पढ़ रहे थे। ऐसा नहीं जो पहले नहीं पढ़ रहे थे उसका हो जाएगा, लेकिन जो भी बच्चा थोड़ा बहुत कंटिन्यू था, टच में था स्टडी के, उसका 100% अच्छा रिजल्ट आ जाएगा। 28 तारीख को मैंने वीडियो डाल दी थी, 28 मेरे चैनल पर जाएंगे तो आपको वीडियो लिस्ट मिल जाएगी। अब एक और इशू आ रहा है कि सर जे का एग्ज़ाम आप, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने भी अनाउंस कर दिया, बहुत सारे सब ने ऑलमोस्ट एग्ज़ाम अनाउंस कर दिया, लेकिन जे ने अनाउंस नहीं किया। तो गाइस देखिए, मेरा जो पहले जो सोर्सेज थे जहाँ से मुझे इन्फॉर्मेशन मिली थी, वहाँ से मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिलती कि वो सब तैयार है करने के लिए, मतलब चाहते हैं जो स्टाफ है, लेकिन जब तक हायर अथॉरिटी या जो हायर रैंक का जो ऑफिसर है, जब तक वो साइन नहीं करेगा या जब तक वो परमिशन नहीं देगा, तब तक वो स्टार्ट नहीं होगा। तो अभी के लिए देखिए, ऐसा सुनने में आ रहा है कि जितने भी जैसे जजेस वगैरह बहुत कम, ऑब्वियसली कोरोना की वजह से हो रहा है, वो सारी वर्चुअल मीटिंग कर रहे हैं तो आ नहीं पा रहे, बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, बट अभी के लिए कोई श्योर कंफर्म इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही मेरे पास। बट जैसे मेरे पास कोई कंफर्म सोर्स इन्फॉर्मेशन आएगी मैं आपको अपडेट करूँगा। लेकिन देखिए गाइस, ये मेरी गारंटी है, वो आपको सडनली एकदम से शॉक कर देंगे डेट अनाउंस करके। जैसे अभी पियोन का सब भूल चुके थे, पता नहीं आएगा कब आएगा कि इन्वेस्टिगेशन चल रही, लेकिन सडनली उन्होंने कर दिया। इसी तरीके से वो भी आपको कभी भी ये इन्फॉर्मेशन दे दे कि आप लोग का एग्ज़ाम है और 10 दिन पहले दे देंगे। अभी भी 10 दिन पहले हैं तो आप 10 से 15 दिन ही मिलेंगे आपको, तो उस टाइम पर प्रिपरेशन नहीं हो पाएगी। तो ये 10 से 15 दिन है आपको मिले, उससे अच्छा ये कि पहले ही प्रिपेयर हो जाओ। तो जो बच्चे ऑलरेडी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, चल तैयारी कर रहे हैं, जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वो भी बेस्ट स्टडी है, जो किसी और टीचर से पढ़ रहे हैं वो भी बेस्ट स्टडी है, लेकिन मेन मैटर ये करता है कि आप कंटिन्यूटी रखें अपनी तैयारी को। तैयारी रखिए, क्योंकि टाइम बिल्कुल मिलेगा नहीं जब एग्ज़ाम आ जाएगा, इसलिए बी सीरियस, तैयारी करते रहिए। और कोई डाउट हो तो आपको ऑलरेडी पता है मेरे को, आप कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिस्पॉन्ड करता हूँ। ठीक है गाइस, और इसके रिगार्डिंग कोई और भी डाउट है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के रिगार्डिंग या फिर दिल्ली हाई कोर्ट के रिगार्डिंग आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।